अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरफ। तो आज का ब्लॉग है इफ्तार की दावत पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी खुशी में ब्लॉग बना लिया जाए। मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि दिल मेरा थोड़ा छोटा सा हो गया था ब्लॉग के मामले में, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया। तो इतना मेहनत करो और अकाउंट डिलीट हो जाए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में काफ़ी मेहनत काफ़ी टाइम भी लगता है अगर आप खुद से एडिट करते हो। तो मैंने सोचा रमज़ान की दावत से शुरुआत करते हैं। तो आज 20 लोगों की इफ्तार की दावत है एंड बच्चे मिलाकर 20 से 30 लोग हो जाएंगे। तो आज मैंने सुबह 10 बजे से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। तो इतने सारे लोगों की दावत थी तो अकेले तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आप बिरयानी बना लेना, बाकी का जो है इफ्तार का और एक्स्ट्रा मैं देख लूँगी। तो चलते हैं, चलकर आज की दावत की तैयारी की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी, जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो हस्बैंड तो सुबह सुबह उठकर अपने कामों में लग गए और मैं सो रही थी, तब उन्होंने बोला कि इतना सो रहे हैं। तो ध्यान में तो था ही कि आज दावत है, जल्दी उठना है, बट एक दो दिन से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था, इस वजह से थोड़ा थकान था तो मैं लेट से उठी। जब मैं उठी तब तक इनका इतना काम हो चुका था, मसाले सारे प्रिपेयर हो गए थे बिरयानी के लिए, नारियल फोड़ लिए थे, ड्राई फ्रूट्स फुला दिया था एंड चना और काबली चना तो मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो मैं भी साथ साथ सबसे पहले चना की प्रिपरेशन में लग गई, क्योंकि फिर कुकर बिजी हो जाएगा तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो चना में मैंने आलू प्याज टमाटर चॉप करके डाला एंड मसाले हल्दी गोलकी जीरा अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्च लाल मिर्च का पाउडर एंड नमक डालकर सीटी लगा ली, चने को गला लिया, वो कहते हैं ना देसी स्टाइल बोझ बाज के चढ़ाना सारा कुछ एक ही में डाल के, और मैंने इसमें ऑयल भी डाला है थोड़ा। इधर बिरयानी के लिए आलू को कलर करके फ्राई कर लिया गया है एंड इधर प्याज लाल हो रहा है। इतना क्वांटिटी में प्याज फ्राई होने में भी बहुत टाइम लगता है, आधा से पौना घंटा तो प्याज फ्राई होने में टाइम लग गया होगा। और ये जो प्याज इतनी बारीक बारीक इतना सुंदर सा कटा है, ये हानिया के चाचू का कमाल है, उन्होंने बहुत मदद की हमारी। तो हस्बैंड का काम तो बहुत फास्ट जा रहा था, सही टाइम पे चल रहा था उनका। तो वो बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एंड सब फ्रेंड्स वगैरह को भी पसंद है उनके हाथ का बिरयानी, वही गारवीं शरीफ स्टाइल में बनाते हैं। तो ऐसा बिरयानी हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो मुझे भी नहीं आता है, बट यहाँ आके सीख गई हूँ। एंड ये हमारे चना के गार्निश करने के मटेरियल रेडी है। तो मेरा तो चना रेडी हो चुका था एंड मैं इसे गार्निश कर ले रही हूँ अब। एंड चना को आपको इन्हेंस करना हो तो आप इसमें पचफोरन का बघार लगा सकते हैं, उससे आपके चने का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा ऑयल लेके उसमें थोड़ा सा पचफोरन डालिए और उसे जला लीजिए हल्का एंड फिर इसे आप चने के ऊपर डाल दीजिए। एंड मैंने गार्निश के लिए लिया है चॉप प्याज, चॉप टमाटर, चॉप धनिया पत्ती, चॉप हरी मिर्च, चॉप खीरा एंड बीट। तो मैंने ये दो जगह पे निकाले हैं, जेंट्स के लिए अलग एंड लेडीज़ के लिए अलग। देन नमाज़ का टाइम हो गया था, हस्बैंड लोग नमाज़ के लिए चले गए तो मैंने फटाफट घर की क्लीनिंग कर ली, घर को थोड़ा सुंदर सा बनाया और उसमें मेरी हानिया मदद कर रही थी, उसने डोर मैट बिछाया। दिन में भी नमाज़ वगैरह पढ़ के इफ्तार के प्रिपरेशन में लग गई थी। मैं आलू प्रिपेयर कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े के लिए एंड इधर मैं दो जगह पर बेसन निकाला है, एक तो मैं बैगनी चाप बनाने वाली हूँ और दूसरा ब्रेड पकौड़े के लिए। इस टाइम पे मैं काफ़ी बिजी हो गई थी तो मैं सूट नहीं कर पाई, इस सब की रेसिपी मैं अलग से सेपरेट दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं ब्रेड पे स्टफिंग कर रही थी आलू की मटेरियल को एंड इसके मैंने एक पीस और कर दिया ताकि इतने लोगों तो उठाने में इजी हो, आसानी रहे। एंड इस टाइम पे किचन काफ़ी बिजी हो गया था और गैस भी छोटा पड़ रहा था, क्योंकि बिरयानी अगर एक बड़ा डिक्ची चढ़ा तो ये वाला गैस में एक टाइम में एक ही चीज़ बन सकता है। तो बिरयानी को दम के लिए सुमैया भाभी के घर पे दे दिया है, क्योंकि 10 kg का बिरयानी है तो हमने दो पतीले में डिवाइड करके दम पे डाला है। सुमैया भाभी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो जाके मुझे किचन में एंट्री मिली है अगर बिरयानी वहाँ गई है तब। देन हमने यहाँ पे फटाफट फ्राई कर लिया, मैंने फ्राई करने टाइम सुमैया भाभी को बुला लिया था, थोड़ा हेल्प हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा काम। तो मैं बैगनी चाप के लिए थोड़ा सा बैटर गाढ़ा रखी थी और ब्रेड के लिए थोड़ा पतला रखी थी, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों को का बैटर बनाया था। तो यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ रेडी है बनके। 6 बजे तक ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने टारगेट किया था कि मतलब 6 बजे रेडी होना चाहिए। एंड फ्रूट्स वगैरह जेंट्स लोग काट दिए थे एंड इधर जेंट्स का बिछना शुरू हो गया था, तैयारी शुरू हो गई थी इफ्तारी की। तो हमने जेंट्स के लिए अलग रखा था और दूसरे रूम में लेडीज़ के लिए था। तो सफ़र बिज गया था और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई थी थोड़ा अलग अलग जगह पर, क्योंकि इतने सारे लोग हैं किसी को दिक्कत ना हो, हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल होना चाहिए हर किसी के लिए।
एंड इस टाइम पे सब लोग आना शुरू हो गए थे, गेस्ट लोग। सुपरवाइजर हाँ भाई, शाहरुख खान का नजदीक से लगाओ पूरा फोकस। शाहरुख खान तैमूर लेकर और जल्दी बिठा रहे। आई क्या? थोड़ा जल्दी हो गया। हम रात को नादिम भाई, वो लोग ईशा तक आ जाएंगे, वो लोग हर जगह लेट रहते। सच्ची में नाजिम भाई है ना, नाजिम भाई पक्का लेट आएंगे। तो सब लोग आ गए थे, बस नाजिम भाई और आशा भाभी का वेट हो रहा था। यो नाजिम भाई लोग जल्दी आ गए आज, हम अब भी आप लोग के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग बुलाए थे ना। तो आज तो आयशा भाभी लोग भी टाइम पे आ गए, फिर हम लोग ने सबने मिलकर इफ्तार किया। एंड जब ऐसे ही गेट टुगेदर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। एंड इफ्तार के बाद आती है चाय की बारी। चाय वाले लोग हाथ खड़ा करो। जेंट्स सारे गए नमाज पढ़ने मस्जिद, और लेडीज हम घर पे नमाज पढ़े, और उसके बाद हमने चाय बनाई और सबने मिलकर चाय पिया। एंड यहाँ पे तीन ऐसी लेडीज है जो चाय नहीं पीती है, तो सुनकर बहुत शौक लगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसे लोग भी थे जो दो बार चाय पीते हैं। चलो आओ तीनों बॉय साथ में, तीनों गर्ल्स, सात बच्चा हो गया देखते देखते। सात बच्चा। सादिया इधर देखो बेटा। सादिया अरे वाह माशाल्लाह, ये मेरी सबसे लाडली बेटी है। चलो हमारे बीच में बैठ जाओ। तो मैं यहाँ पे सारे बच्चों के एक इकट्ठे करके मैं सोच रही थी एक ग्रुप पिक ले ले, ताकि ये लोग जब बड़े हो तो मैं इन लोगों को दिखाऊं। देखो नानी बोलती खड़ा होके फोटो भेजना हानिया का। हेलो हमने सादे को बैठाई ना, थोड़ा देखिए ना भाभी, ये जो है ना अच्छे से बैठो, बोलो ओके मम्मा। वाह अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इंडिया में आ गए, इतना सारा बच्चा। अभी तो हम लोग ओमान में हैं, तो ये ओमान के फ्रेंड्स हैं, फिर पता नहीं कौन कहाँ होगा। अभी दो बच्चे तो यहाँ पे है भी नहीं, एक तो सो रही है मुंतहा और एक अपने बाबा के साथ घूम रहा है हमदान। एंड फिर यहाँ मैं किचन में आ गई बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, क्योंकि मैंने मीठा नहीं बनाया था, मैंने सोचा था इफ्तार के बाद बनाऊँ क्योंकि वो तो डिनर में खाना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है दिन में। इसमें एक कप अलग से ठंडा दूध ले लिया था और उस पर मैंने कस्टर्ड डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, दिन मैंने दूध में ऐड किया है। एंड यहाँ पे मैं फ्रूट्स को चॉप करके रख ली हूँ कस्टर्ड में डालने के लिए, तो मैं इस तरह निकाल कर फ्रीज में रख दी थी ताकि जल्दी ठंडा। कस्टर्ड का मज़ा तो ठंडा खाने में ही है। एंड यहाँ पे मेरा कस्टर्ड रेडी है। एंड सैलेड वगैरह सो मैया भाभी ने काट दिया था, रेडी कर दिया था सारा। ये तो सत्तू एंड प्याज की चटनी है, एंड इसे अलग अलग काट के रखा था, बीट को अलग रखा था ताकि कलर ना लगे, बीट डाल देने तो सैलेड में तो सारा सैलेड रेड रेड हो जाता है। बस सब लोग इशा के नमाज तरावी पढ़ के आए, उसके बाद खाना लगना शुरू हो गया, एंड इधर बिरयानी निकलना शुरू हो गया। तो पहले जेंट्स लोग का खाना लगा, वो लोग सब मिलकर खाना खाया, शहरयार एंड राहिल ने खाना खिलाया सबको, और वो दोनों फिर बाद में खाना खाए। यहाँ पे जेंट्स फर्स्ट हो गए, फिर वो लोग खाना खा के लेडीज़ को उन्होंने खाना खिलाया। एंड माशाल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बिरयानी की बहुत तारीफ़ हुई, बहुत अच्छा अच्छा फीडबैक मिला बिरयानी का। मिस्टर हस्बैंड शेफ तो मत पूछे, पूरा ब्लश कर रहे थे। एंड मैं भी ओमान में पहली बार इतने लोगों की इफ्तार पार्टी की दावत की, तो थोड़ा नर्वस थी, बस ये था कि हाँ सब कुछ टाइम से हो जाए, जल्दी जल्दी हड़बड़ी ना हो। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया एंड टाइम पे हो गया। एंड जब सारे लोग इकट्ठे एक साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मज़ा आया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा एक साथ। एंड हानिया को कस्टर्ड बहुत पसंद आया, वो खुद खाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट वीक। एंड यहाँ पे ही नेक्स्ट वीक का दावत प्लान हो गया इफ्तार का आसिफ भाई के घर। एंड कल सुमैया भाभी के यहाँ इफ्तार दावत है।
कभी मेरे ऊपर। तुम चेंज होते रहती हो। चेंज होते रहती हो। चेंज होते रहती हो। हानिया जैसी लगी छोटी मतलब ना। हानिया मुंतहा है जो कि ग्रुप फोटो में नहीं आ पाई, ये सो रही थी। ये हानिया से 3 मंथ्स की छोटी है। दिन धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले गए और हमारा घर बिल्कुल खाली हो गया। इफ्तार से पहले तो सारा काम हो जाता है, बट इफ्तार के बाद ओफ, तो पार्टी तो ख़त्म हो जाती है। उसी तरह पार्टी के बाद वाला काम, हर चीज़ समेटना। तो हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने मैंने मिल के सारा सामान समेटा। इतने सारे बर्तन हो गए थे तो सारा बर्तन वगैरह धुल के ऐसे रखा रहता तो अच्छा नहीं लगता है, तो सारा धोकर क्लीन कर लिया था रात को ही। एंड बाकी काम हस्बैंड ने बोला अब कल करना, काफ़ी लेट हो गया। सब कुछ करते करते 11 बज गया था। कुछ अनएक्सपेक्टेड रमज़ान गिफ्ट आए थे, तो गिफ्ट अगर हो तो उसे खोले बगैर तो नहीं सो सकते थे, तो मैंने उसे खोल कर देखा। मुझे गिफ्ट अनपैकिंग करने की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, तो बस मैंने उसी टाइम शुरू कर दिया। तो ये आयशा भाभी लेकर आई थी हानिया के लिए, फ्रॉक था, बहुत प्यारा सा है, एकदम समर फ्लेवर टाइप। एंड ये सुमैया भाई भी लेकर आई थी। चलिए इसमें देखते हैं क्या है इसमें। इसमें फ्लावर है एंड फ्लावर पॉट है, क्योंकि उनको मालूम है मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाते रहती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत प्यारा है सुमैया भाभी, थैंक यू सो मच आयशा भाभी आल्सो। एंड इसमें एक चीज़ और है, बहुत प्यारा सा है, ये हानिया के लिए दादी लेकर आई थी, सज़ीर की दादी। ये बहुत प्यारा सा स्कार्फ है, दादी उमरा पे गई थी वहीं से लेकर आई बच्चों के लिए। तो ये ज़्यादातर सऊदी में ही मिलता है, आई थिंक ये ज़्यादा इंडोनेशिया से बन के आता है, बट जो भी, बट थैंक यू सो मच दादी, हानिया की दादी और मेरी अम्मी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा गिफ्ट है, मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं उसी टाइम हानिया को पहनाने के लिए चली गई और हानिया को पहनाकर देख रही थी कैसा लग रहा है, क्योंकि हानिया पे स्कार्फ बहुत सूट करता है और वो बहुत अच्छे से रखती भी है, निकालती नहीं है सर से, मतलब वरना अक्सर बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, सर पे रखते नहीं है कुछ भी, या हेयर बैंड हो या ऐसा कुछ हो। एंड ये एक और गिफ्ट है जो कि सालद भाई लेकर आए हैं, ये भी देखने में बहुत यम्मी लग रहा है, डेट्स से उसके ऊपर बहुत सारा ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, इंजीर भी है उसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ है। आज देखो दादी क्या लेके आई, जल्दी हो यहाँ पे, देखो देखो नया नया है, वाओ जल्दी कम डाल, कम चल देखिए कैसे लगाया जाता, कम ओ वाओ अरे वाओ हबीबी लग रही है, माशाल्लाह ने दिखाई मम्मा को, माशाल्लाह नाना ले दिखाओ हानिया, ओ वाओ परी। हानिया को स्कार्फ लगाया तो वो समझ रही नमाज़ पढ़ना है, क्योंकि उसे जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो उसे भी स्कार्फ लगाती हूँ और उसे भी जाय नमाज़ देती हूँ, तो उसे लग रहा है कि नमाज़ पढ़ने के लिए मम्मा दी है, तो वो नमाज़ पढ़ी है, देख के बड़ा अच्छा लगा। मतलब ऐसा इसलिए करती हूँ हानिया के साथ कि ताकि उसे अभी से आदत रहे नमाज की। देखो हबीबी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा नमाज, ओ सॉरी इसको हम ठीक कर देंगे बेटा, निकल जा रहा है। तो काफ़ी रात हो गई है, 2 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, कल दावत है सुमैया भाभी के यहाँ वहाँ का ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सबसे पहले आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। रमज़ान का महीना है, बरकत का महीना है, प्लीज़ अपने अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, यू टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यू टेस्ट बहुत अच्छा है बिरयानी का, चावल बहुत टॉप जूसी चावल है, बहुत अच्छा बना, अच्छा लगा।